ये देखो भाई, ये सारी बाइक्स फॉर सेल हैं, यूज्ड बाइक्स हैं, और इधर ए टू जेड जो बाइक देखनी है आपको मिड सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक वो सब दिखेंगी। तो ये आप देखो, उधर भी है, उसके पीछे भी है। बाइक के ऊपर अभी बंदे ने 17,000 रुपये लगाया है, इसकी की तक गोल्ड की हुई है इन्होंने। तो ये आफ्टर मार्केट पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक कलर का, भी हटाया ये हमने, इवन चाबी भी अपग्रेड करवा रखी की, क्या बात है यार। और क्या हाल है भाई, आप सब क्या हो, आप सब अच्छे हो, हेल्दी हो, पड़ी हो। और एक मिनट यार, इसकी वीडियो उतर जाओ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको यूज्ड बाइक दिखाई थी, इस वीडियो में भी आपको वही दिखाऊंगा मैं। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, पर उस वीडियो में बहुत ही कम बाइक्स थी, इस वीडियो में तो भाई मज़ा ही आ जाएगा देख के। एक बार मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखो भाई। ये देखो भाई, ये सारी बाइक्स फॉर सेल हैं, यूज्ड बाइक्स हैं, और इधर ए टू जेड जो बाइक देखनी है आपको मिड सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक वो सब दिखेंगी। तो ये आप देखो, उधर भी है, उसके पीछे भी है, और यहाँ भी कुछ है। और चल के जरा पाजी से मिल के आते हैं, पहले तो ये दिखाते हैं इन्होंने गेट पे क्या लगवा रखा है। देखो, नो एंट्री विदाउट फेस मास्क, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, फेस मास्क लगाया करो। और सरदार जी, की हाल है, कैसे हो, हाथ मिलाओ पहले तो। सैनिटाइज कर लिया ना, मैं तो अभी करके आया हूँ। सैनिटाइजर हम अपनी पॉकेट में रखते हैं, कोई नहीं, लगा दो यार, दोबारा लगा लेता हूँ। यस, यू कैन यूज इट, थैंक यू, थैंक यू। इसको मत देखना, ये क्या है, सैनिटाइजर बॉटल नहीं है जी, ये जिनकी ये देखो, इनकी सैनिटाइजर की बोतल, ये सैनिटाइजर है इसमें, पर ये कुछ और है, अल्कोहल, अल्कोहल। वो समझ गए होंगे जो समझदार है। तो बाइक कौन कौन सी आई है आज आपके पास? बाइक है KTM का स्टॉक है, RC 200 RC 390 है, एंड बहुत सारी डिफरेंट बाइक्स है, क्लासिक भी देखने को मिल सकती है इसमें यहाँ पे। चलो चल के देखते हैं फिर। चलो तो ये करण भाई के पास मैं दिखाता हूँ आपको बाइक्स कौन कौन सी हैं। तो भाई कहाँ से दिखानी शुरू कर रहे हो ये बताओ पहले। तो पीछे से पूरा लाइन में कवर कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लो आप 225 से। ये है इधर 3 और बाकी पीछे भी हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं पहले, फिर मैं आपको पीछे की दिखाता हूँ। हाँ जी, इधर से बतानी शुरू करो। यहाँ पे मेरे पास अभी 2 Duke 125 खड़ी हुई है, और बाकी बहुत सारी Duke 125 है। वैसे तो मेरे पास अभी यहाँ 2 ये दिख रही हैं, 2020 मॉडल है, ये 2019 है। अच्छा, ये 2020 और 2019, ये 5,000 चली हुई है, एंड ये चली हुई है 12,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर बाइक्स हैं, और डिमांड जो इसकी 145 है, इसकी 115,000 रुपीज़ है। ओके, और बाकी आप बाइक की कंडीशन देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। कंडीशन वाइज बाइक में 2020 और 2019 में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, कंडीशन वाइज बहुत अच्छी है। वही देख रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया कंडीशन है। और बाइक के टायर देख लो आप, बहुत ट्रेड बच रहा है अभी। और ये देखते हैं सुजुकी जिक्सर, 2019 मॉडल है जिक्सर, SF है नहीं? हाँ जी, हाँ भाई, आपके फॉलोअर देखे गए हैं, इसके बदले में एक्सचेंज में बाइक लेके गए हैं मेरे से। हैं, कौन से फॉलोअर देखे गए हैं? आपके फॉलोअर यूट्यूब फॉलोअर हैं। अच्छा, चलो जो भी देखे गए हैं भाई, बहुत अच्छी बाइक है आपकी, बहुत अच्छी मेंटेन करी है आपने, 2019 मॉडल है। और ये बाइक की कंडीशन देखो आप, मेरे फॉलोअर की, मेरे सब्सक्राइबर की, और बाइक में पूरा थीम दे रखा है, बाइक से मैच करती है, ब्लू सीट्स भी लगवाई है, 90,000 रुपीज़ की है, 2019 बाकी आफ्टर मार्केट कुछ नहीं हो रखा, स्टॉक है बाइक पूरी, बाइक 1.5 लाख रुपए की आ रही है। और आप कितने की दे रहे हो? 90,000 में। सो 90,000 की ये मिल जाएगी आपको। और हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, ये जितनी भी आप बाइक्स यहाँ पे देख रहे हो, या फिर अभी मैं आपको जो भी दिखाऊंगा, जो भी करण भाई रेट बताएंगे, वो फिक्स नहीं है। मुझे पता है कई लोग सोचते हैं यार इतने की मिल रही है तो आने से कई लोग वो करते हैं, बट एक बार आप ही बोल दो ऑन टेबल, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल, तो बहुत नेगोशिएबल हम कर लेते हैं, जिसमें गुंजाइश ज़्यादा होती है तो बिल्कुल रिस्पेक्ट जो होती है वो करते हैं, बेस्ट रिगार्ड का एकदम कर देते हैं। हाँ जी, तो ये 3 मैंने आपको दिखाई, अब उधर से शुरू करते हैं, पहले देख लो यार कहाँ तक जा पाऊंगा। हाँ जी, उसका बताओ मुझे, KTM 390 का, ये Duke 390 2014 मॉडल है। हाँ जी, एंड प्राइस इसका जो मेरा आस्किंग है 95,000 रुपीज़ है। तो 95,000 की आपको वो मिल जाएगी जी। ना उसके बाद इस सारे प्राइस को देखते हैं, R15 V3 2019 मॉडल है। हाँ जी, ब्लू कलर में, गाड़ी कंडीशन बहुत बढ़िया है, कोई स्क्रैच नहीं पूरी बाइक पे, एंड डिमांड इसकी 125 है। सो 1,25,000 की आपको ये मिल जाएगी, और ओनरशिप फर्स्ट है ना दोनों की जी। ओके, और इसका बताओ मुझे, ये RC 390 2017 मॉडल है। हाँ जी, 1,45,000 रुपीज़। सो 1,45,000 की आपको ये बाइक मिल जाएगी। और इसके बारे में, 2019 मॉडल, 6,000 किलोमीटर चली हुई, R15 V3 ABS में है, एंड डिमांड इसकी मेरी 1,25,000 रुपीज़ की है।
125 आपकी इसकी डिमांड है, ठीक है, तो 125 ही पाजी बता रहे बाइक है, और ये कुछ उन बाइक्स में से है जो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, आपको तो पता ही है, KTM हो गई और RS, अभी यहाँ दिख नहीं रही, RS शायद उधर पीछे कहीं होगी, RS हो गई और एक ये हो गई, इस बाइक के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हो, तो एक बार दोबारा प्राइस सुन लो इसका, 125,000 की यार्न फाइव से 4 दिन पहले हमारे पास 14 या 15 खड़ी थी, अभी मेरे पास 5 R15 रहेगी। आप बात कर रहे हो और 14-15 यार, आप तो पूरे पूरे हो रहे हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस बन सकती है, यहाँ पे डकैती कर लो। इसका बताओ मुझे, 2019 मॉडल है, 3000 किलोमीटर चली हुई है, ABS में है, फॉर 1,75,000 रुपीस बाइक में कुछ ऐसे। हाँ मैं वही देख रहा था, ये थोड़ा आफ्टर मार्केट काम हो रखा है बाइक में, गाड़ी चली बहुत कम हुई है। ओके यार, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या है, ऐसे ही नई नई चीज़ें आती हैं मार्केट में यार, मैंने देखी नहीं कभी, क्योंकि चलो भाई अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या क्या है ये, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार देख रहा हूँ। और क्या प्राइस बताया आपने इसका, 1,75,000 रुपीज़, तो 175 की ये मिल जाएगी, और ये 2019 मॉडल फॉर 1,25,000 रुपीज़, 2019 मॉडल R15 फॉर 1 लाख के चलिए, ओके फॉर 1 लाख कितनी बताई आपने, 1,25,000 की, और 7,000 किलोमीटर बाइक चलिए। नाउ एक पल्सर NS200 है, इसके बारे में पूछते हैं, 2019 मॉडल है, ABS में 10K चली है, और डिमांड जो इसकी 1,05,000 रुपये है मेरी, सो 1,05,000 रुपये की आपको ये बाइक मिल जाएगी। आप एक बार देख लो, मैं आपको इसका वॉकराउंड देता हूँ, एक ये एवेंजर भी खड़ी है, ये एवेंजर आप देख रहे हो जो यहाँ पे ब्लैक कलर में 2019 मॉडल है, 7K चली हुई है, ABS में है, एंड प्राइस इसका जो मेरा आस्किंग है 95,000 रुपीज़ है। इसके आगे हम देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में जिक्सर, अभी आपने ब्लू कलर में देखी थी, ये 2017 मॉडल है फॉर 65,000 रुपीज़ ओनली। ओके एंड ये है बाइक तो यार जो आप BMW 2019 मॉडल 9K चली हुई है, सिंगल ऑनर है, फॉर 2,25,000 रुपीज़। जिनको नहीं पता उनको एक बार बता देते हैं, BMW की एंट्री लेवल बाइक है इंडिया में, और मैंने चला कर देखी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, और कुछ रिव्यू दो यार इसके, आपने तो चलाई है वैसे भाई, बहुत मस्त है नो अनडाउटेडली। और इसके आगे ये मेरे पास अभी स्पेशल बाइक है, ये 2019 मॉडल है, सो कुछ गोल्ड लवर्स है तो उनको ये देखने को बहुत अच्छी चीज मिल सकती है, बाइक के ऊपर अभी बंदे ने 17,000 रुपए लगाया है, इसकी की तक गोल्ड की हुई है इन्होंने, सर रैपिंग जो ये करवा रखी है और जो भी मॉडिफिकेशन करवा रखी है, रैपिंग नहीं है, बहुत सारे आफ्टर मार्केट पार्ट्स है, ये भी है, 17,000 रुपीज उसने स्पेंड किए हैं, सब गोल्डन कराई है, गोल्डन पार्ट्स है, गोल्डन पार्ट्स, गोल्डन गोल्डन, पीछे आप देख सकते हो फुट पैड्स भी गोल्डन है, साइलेंसर गोल्डन, यहाँ गोल्डन, यहाँ गोल्ड, सो भाई हर जगह गोल्ड इंसर्ट है इस बाइक में, तो क्या बात है मतलब, और ये बाइक की इवन जो चाबी जैसा पाजी ने बताया, ये देखो आप इवन चाबी भी अपग्रेड करवा रखी है, कि क्या बात है यार, मतलब बहुत ही शौकीन बंदा है जिसने बाइक करवाई है बंदे ने बाइक पे, ये आप देखो, ये देख सकते हो आप R15 का स्पेशल, ये आफ्टर मार्केट, ये इंडिया में पहली ऐसी R15 होगी जिसकी ऐसी की है और जिसमें इतना काम हो रखा है, हर जगह गोल्ड इंसर्ट्स, मतलब ऊपर से नीचे तक हर जगह, और प्राइस भी इसका बहुत रीजनेबल बोल रहे हैं, 1,15,000 रुपए, सो 1,15 की भाई ये बाइक दे रहे हैं, मतलब की जो भी कम हुई है 9,000 चलिए, मतलब एक तरह से जो बाइक में मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके तो आप चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, बस जो बाइक की वैल्यू है वो, बाकी आप बाइक देख लो, इसकी चाबी बहुत अच्छी है यार, एक बार दोबारा देखो चाबी, चाबी मुझे पसंद आई इसकी बहुत, बाकी एक बार मैं दोबारा दिखाया था आपको, ये आफ्टर मार्केट पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक कलर का, भी हटाया ये हमने, अच्छा हाँ जी, और ये देख लो आप टैंक को पूरा रैप करवा रखा है, और इसके अलावा जैसा उन्होंने बताया फुट पैड्स और पीछे एग्जॉस्ट में भी गोल्डन शर्ट्स है, मतलब बाइक में बहुत काम हो रखा है, जिस किसी बंदे की बाइक थी बहुत शौकीन था जो भी है ये, बहुत बढ़िया भाई। आगे आती है अपाची RR, सॉरी इट्स RTR 4V है ये गाड़ी, एंड ABS में बाइक, और बाइक की कंडीशन देख लो इसकी, वो हमारी 95,000 रुपीज़ है, सो 95 की आपको ये मिल जाएगी, ये है यहाँ पे RS 200 2018 मॉडल, 10K चली हुई है, और डिमांड इसकी 1,05,000 रुपये है, सो 1,05,000 की आपको ये मिल जाएगी। एक बार दोबारा बता दूँ, RS 200 जो सबसे ज़्यादा आप मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट आती है, इसलिए मैं हर टाइटल में RS 200 ज़रूर डालता हूँ, कितने की बताइए आपने, 1,05,000 रुपये की है बाइक, ओके RC 125 2,000 किलोमीटर चली हुई, काफ़ी ऑन डिमांड है आजकल बाइक, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है, एवरेज बहुत अच्छी है, सो क्या बात, कितनी डिमांड कर रहा है बाइक की, ये डिमांड इसकी हमारी 1,45,000 रुपीज़ है, सो 145 की ओनरशिप तो अभी तक जो आपने दिखाई है मुझे सारी इनकी फर्स्ट ही है ना, सिंगल ओनर बाइक्स है, 95% बाइक्स सिंगल ओनर की, और एक बात अभी आप कह रहे हो एवरेज अच्छी है, कितनी एवरेज, एवरेज 45 to 50 देगी आई थिंक है,
मतलब इस लेवल की बाइक में 125 सीसी में 40-45 की एवरेज है इजीली। क्या बात है यार, सही है। मतलब आरसी 125 वैसे लोग बहुत ही इसको निगलेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि केटीएम बस नाम है इसका, वैसे कोई केटीएम वाली बात नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये बाइक भी बहुत रिस्पॉन्सिव है 125 सीसी के हिसाब से तो, बहुत ऑन डिमांड बाइक है 125, और 125 के हिसाब से तो बहुत बहुत रिस्पॉन्सिव है ना, मतलब एक्सेलरेशन इसका बहुत अच्छा है, जो मतलब वो एक्सशोरूम प्राइस या फिर आपका जो है पास जो प्राइस है, अच्छा, अच्छा। तो 2 लाख रुपए की अभी है। नहीं 2 लाख की यार, 125 सीसी 2 लाख मतलब है भाई, बाइक की वर्थ है इतनी। तो एनीवे मैं आपको बुलेट दिखाता हूँ, ये मैंने मिस कर दी थी। हाँ जी, आप मुझे इसके बारे में बताओ। क्लासिक 350 2017 मॉडल, वाइट कलर है, वाइट कलर काफ़ी डिमांड में रहता है, एंड डिमांड इसकी जो मेरा प्राइस आस्किंग है वो है 1,15,000 रुपये। सो 1,15 की आपको ये मिल जाएगी, और इसके पीछे एक KTM आरसी 390 है, यहाँ पे मेरे पास FZ है V3। हाँ जी बताओ दोनों के बारे में। तो ये 195 की है, 2019 मॉडल है, वहाँ पे आप देख सकते हो FZ 2019 मॉडल 85,000 में है, V3 है वो, वर्जन 3 मॉडल है। हाँ हाँ ये वर्जन 3 है, एक बार देख लो आप। और ये FZ, अच्छा ठीक है, हाँ FZ वर्जन 3, मैं सोच रहा ये 25 या 250 सीसी वाली, बट ये वो नहीं है। और उसके पीछे एक पल्सर है ना, सॉर है, इसके बारे में बताओ। है अपाची की, 3 बाइक्स अपाची है, वाइट कलर में है 200, रेड कलर में 200 मिल जाएगी आपको। जो वाइट कलर की अपाची है वो है 2017 मॉडल फॉर 65,000 रुपीज़, और 19 मॉडल है मैरून कलर में 7,000। कैमरे में उंगली आनी चाहिए, दिखाओ जी, ये मैरून कलर में जो है ये 2019 मॉडल है, ओके, एंड डिमांड जो इसकी मेरी 95,000 रुपीज़ है। उसके आगे ब्लैक कलर में नेक्स्ट ये है 4V 2019 मॉडल 160 डुअल डिस्क में, और डिमांड इसकी 95,000 रुपीज़ है, नेगोशिएबल है प्राइजेस। और आपने इस वाइट वाली का नहीं बताया, अपाचे का वाइट अपाची 2017 मॉडल है, ओके, और 65,000 रुपीज़ की है, 200 है। अच्छा, और इसका NS का बताना है। NS ये 65,000 की मिल जाएगी आपको, 2017 मॉडल। अच्छा, और जो सबसे पीछे KTM RC खड़ी है वो RC 2, मतलब वो बिल्कुल कॉर्नर में, वो 390 है, मिरर इंस्टॉल नहीं है। प्राइस उसका जो आस्किंग है मेरा 1,75,000 है, 2018 मॉडल है वो लास्ट में, ओके। तो एक मैंने आपको यहाँ में पूरा सेगमेंट दिखा दिया, ये वाली दिखा दी मैंने आपको, ये वाली दिखा दी, वो पीछे से कुछ 4-5 बाइक रह रही है, उनके बारे में पूछते हैं। यहाँ पे ये 2014 मॉडल NS है, 45,000 रुपीज़ की है, इसके आगे एवेंजर गोल्डन कलर में 2017 मॉडल है, 65,000 की है। यहाँ पे ये कौन सी बाइक है, KTM RC भूल गया यार, ये बड़ी दिक्कत है KTM में, थोड़ा साइड से। ये 2016 मॉडल है, सॉरी 2016 मॉडल है ये, हाँ 1,10,000 की है, कुछ बाइक्स में भूल रहा हूँ। तो ये 2019 मॉडल है HR51 जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन में, 2019 मॉडल ABS में है फॉर 1,75,000 रुपीज़। और वो 2017 मॉडल है, मेरा इंस्टॉल नहीं है, बाइक अभी आई है, क्लीनिंग वगैरह का छोटे मोटे गाड़ी में काम होने हैं, और डिमांड इसकी जो है 1,45,000 रुपीज़ है। भाई ये बात तो है, मैंने मतलब बहुत बड़े लोग देखे पर आपका ऐसा नहीं देखा, जो मतलब यार बताओ अपनी बाइक और अपनी गाड़ी भूल जाते हैं कि मेरे पास कौन सी बाइक है, कौन सी गाड़ी है, ऐसी बात है और कैसी बात है। चलो कोई नहीं, पीछे और खड़ी है, मैं आपको वो दिखा। हाँ जी, इसका बताओ मुझे डोमिनार का। आप डोमिनार 2020 मॉडल है, 250 है बाइक। अच्छा, डोमिनार 250 है, BS6 है, न्यू वाला मॉडल है, न्यू मिरर्स है इसमें, न्यू स्टाइल वाले मिरर लगे हुए हैं, एंड ड्यूल पाइप साइलेंसर आता है जो। अच्छा, वो नहीं देखा मैंने। हाँ जी, ये 6,000 रुपीज़ का गार्ड पूरी किट लगी हुई है। जाना का या फिर ये कोई और है? कंपनी का है। अच्छा, कंपनी का ही है। हाँ जी, और एक बात और, ये डोमिनार 400 नहीं है, ये 250 है, 250 सीसी वाली। चाबी अपग्रेड करवा रखी है जी, चाबी ये भी डिजाइन एक मिनट निकल रही है। हाँ ये देखो भाई, फोल्डिंग की अपग्रेड लेवल है ये भी, सो यू कैन सी ये फोल्ड हो जाती है, कैसे करते हैं हां इसको पुश करके, एंड ये ऐसे खुल जाती है, क्या काइंड ऑफ चाकू की तरह, चाकू की तरह है, मार दो, बहुत बढ़िया भाई। तो आप इसके बताओ मुझे, आप क्या डिमांड है? 65,000 की है, 4,000 चली है, तो 4,000 किलोमीटर चली बाइक 165 की मिल जाएगी। थोड़ी बहुत तो पाजी देखो, आप आओगे कर लेंगे ऊपर नीचे ऑन टेबल, इसके बारे में पूछते हैं। 2019 मॉडल RC 390 किलोमीटर चली है, और डिमांड इसकी जो है मेरी 1,95,000 है, RC 390 है, 2019 मॉडल। और ये बाइक की कंडीशन देख लो आप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पीछे भी कुछ बाइक्स खड़ी हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे पास बताओ खड़ी है 390 2017 मॉडल है फॉर 1,55,000, वहाँ पे डोमिनार है 2017 मॉडल फॉर
110,000, बाकी कुछ रॉयल इनफील्ड बाइक्स हैं। ड्यूक 125 है, वहाँ पे देख सकते हो आप, एक थंडरबर्ड है। हाँ जी, सो बाइक्स तो और भी बहुत सारी हैं। तो प्राइस बता दो एक बार आप ऊपर ऊपर से ऐसे उनका। ये 1,55,000 की बताई है। एंड एलेक्ट्रा के जो मॉडल्स हैं वो है 1,15,000 में, 2018 मॉडल है दोनों एलेक्ट्रा, ये इधर। ओके, तो आप इससे आपको आइडिया हो गया होगा एक कि बाइक्स का यहाँ पे क्या प्राइस है, और हर सेगमेंट की, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट की कर ही दी हमने कवर वैसे, जी काफी बाइक्स है ना। तो भाई ये देखिए आपने, ये करण भाई का स्टॉक था और हर हफ्ते अपडेट होता रहता है। हर हफ्ते आप आओगे तो दो चार बाइक ही हैं जो आपको खड़ी मिलेंगी, वरना सारी तो निकल जाती है। और भाई क्या क्या मचाओगे बताओ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाइक्स आपको जिस रेंज की चाहिए, 15,000 रुपये की बाइक चाहिए, 25,000 की बाइक चाहिए, 50,000 की बाइक चाहिए, 25 लाख की बाइक चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरी श्योरिटी आपको। हाँ तो मतलब आप देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर करोलबाग में कोई शॉप है तो ऐसी कोई शॉप है। यहाँ पे आपको अगर कोई एकदम हाईएस्ट सेगमेंट में भी कोई बाइक चाहिए ना, कोई सुपर बाइक भी चाहिए। वैसे आप पहले डील करते थे ना सुपर बाइक्स में? पहले डील करता था, बट मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा स्कोप था, तो मैंने मिड-रेंज बाइक्स में ही डील करना बेटर। हाँ, मिड रेंज की वैसे डिमांड भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि अब देखो एक चीज और भी होती है सुपर बाइक्स का, मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मुझे पता है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, 11-12 साल के, जिनको इंटरेस्ट होता है, वो सोचते हैं कि सुपर बाइक हो हमारे पास ये हो। बट भाई ट्रस्ट मी, ये सब सीजनल बाइक्स होती है, और गर्मियों में तो दिल्ली NCR में किसी के बस की नहीं है जो इनको लेके निकल जाएगी। हाँ, डेली कम्यूट में वो गाड़ी चल नहीं सकती है, इंजन हीट इतनी होती है यार, इंजन हीट होता है पूरे पैर की, तो तंदूरी चिकन बन जाएगा, लग जाती है ऐसी हो जाती है। तो यही है भाई, एनी वे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई प्लीज। इंस्टाग्राम पे फॉलो हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर करें। हाँ चलो ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से देख लेना और एडिट करने में डालू हटा तो सब्सक्राइब मत करना है, घंटा होता जाना नहीं, तब भी कर देना है। हाँ चलो भाई, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपको पता ही है, बस फिर से सेम विल बी कैसे कैसे Same will be. Nah.